आप देख रहे हैं TNB। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन्हीं के अंदर ठेकेदारी क्यों लाई जा रही है, उन्हीं का निजीकरण क्यों हो रहा है? अगर जो निजीकरण ऐसी अच्छी व्यवस्था है तो भारत सरकार पार्लियामेंट को ठेके पे क्यों नहीं देती, उनका निजीकरण क्यों नहीं करती? हमारा कर्मचारी 24 घंटे चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, और 24 घंटे इस रेल को चलाने का काम करता है। किसी भी सूरत में जो हमारी जिस प्रकार से हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है सरकार निजी हाथों में निगम बनाने का काम करना चाहती है, हमारे एसेट्स हमारी संपत्ति का प्रयोग करके जो है क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, हम उसका इस आज के भूख हड़ताल के माध्यम से उसका सख्त विरोध करते हैं। 2.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भारतीय रेलवे उनको पहुँचाने का काम करती है, ऐसे सेवा के क्षेत्र को अगर जब निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसका नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन टोटली तौर पर विरोध करेगी। जो भारतीय रेल को बेचने की बात कर रहे हैं, भारतीय रेल को बचाना भी है और हमारा एक संकल्प है, भारतीय रेल बचेगी तो ये देश बचेगा, यदि भारतीय रेल बिक गई तो ये देश भी बिक जाएगा, इसको हमें रोकना है। देखिए, मैं दिनेश भारद्वाज, ब्रांच सेक्रेटरी DRM ऑफिस नई दिल्ली शाखा। भारत सरकार से हमारी पुरानी मांग है कि 2004 के बाद के जो भर्ती हैं उनकी जो न्यू पेंशन स्कीम चालू करिए, उसके ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन उसका विरोध करती है, और पुरानी पेंशन जो गारंटेड पेंशन है, जो कर्मचारी का हक है, वो उसको दिया जाए, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करती हैं। रेलवे के अंदर आज लगभग 6.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद के भर्ती हैं, उनकी जो पेंशन है वो लागू की जाए, उनके बुढ़ापे का जो सहारा है उसको बरकरार रखा जाए, जैसे पुराने साथियों को पेंशन मिलती थी इसी तरह से उनको पेंशन बहाली की जाए, ये मेन मांग है। और जो निजीकरण का, जैसा हमारे मंडल मंत्री ने बताया, निजीकरण का, निगमीकरण का, ठेकेदारी का, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन्हीं के अंदर ठेकेदारी क्यों लाई जा रही है, उन्हीं का निजीकरण क्यों हो रहा है? अगर जो निजीकरण ऐसी अच्छी व्यवस्था है तो भारत सरकार पार्लियामेंट को ठेके पे क्यों नहीं देती, उनका निजीकरण क्यों नहीं करती? रेलें जो हैं, रेलें आम आदमी का संचालन का साधन है, गांव देहात से जुड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनके लिए यातायात का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, उसको निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो है धरना आगे तक बढ़ेगा अगर नहीं सुनेगा तो? श्रीमान जी, इसमें हमारी जो मांग है, अगर जो भारत सरकार इसको नहीं, अभी तो ये हमारा दिल्ली मंडल पे प्रदर्शन है, जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फेडरेशन रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तमाम साथियों को लामबंद करके और आगे की जो लड़ाई है, जो भी डिसीजन होगा, तमाम रेलवे कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसमें अपना बलिदान देने का काम करेगा, जैसे 60, 68 और 74 की हड़ताल में हमारे तमाम साथियों ने अपने कैडर को बचाने के लिए, अपनी रेलों को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपनी बलिदान देने का काम किया। जी भाई, मैं अनूप शर्मा, डिविजनल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन, और मैं सहायक महामंत्री हूँ नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन। आज ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की काल के ऊपर हम लोग तमाम देश के अंदर इस तरह के मुजाहरे कर रहे हैं, जो हमारी जेन्युइन ग्रीवेंसीज है, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, भारत सरकार उनका कोई निदान नहीं कर रही है, इसलिए आज हम लोग गेट पर है। हमारी NPS जो कि नो पेंशन स्कीम है, इसके ऊपर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी 3-4 स्टेटों ने जब इस गुस्से को देखते हुए अपने यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात की है, तमाम तरह के हमारे
जो इशू है, जो अभी रेलवे के निजीकरण की बात हो रही है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो प्रमोशंस है वो समय पर नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग उसकी भी आज के इस धरने में, इस प्रदर्शन में मांग कर रहे हैं। और भी तमाम विषय है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो भारतीय रेलवे को बचाना है। हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे यहाँ 7300 रेलवे स्टेशन है, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर हम एक रेल बचाओ देश बचाओ समिति बनाने का काम करें, उसमें तमाम समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी शामिल करने का काम करें, ताकि ये भारतीय रेलवे जो वर्तमान में हमारे इस स्वरूप में है, जो देश की मैं समझता हूँ कि सेवा करने का काम कर रही है, 2.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भारतीय रेलवे उनको पहुँचाने का काम करती है, ऐसे सेवा के क्षेत्र को अगर जब निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसका नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन टोटली तौर पर विरोध करेगी, और हर तौर पर विरोध करेगी, पक्के तौर पर विरोध करेगी। इसलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदर्शन का और भूख हड़ताल से क्या गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाएगी, यह सुनवाई होगी आप लोगों की, या ऐसी इससे बड़ा प्रदर्शन होगा? आप ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने देश की आज़ादी के आंदोलन में कहा था कि धरने प्रदर्शन से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे क्या होगा, लेकिन धरने प्रदर्शन से ये होता है कि हम जिंदा है, हम अपनी बात को रख पा रहे हैं, हम लोग अड़ पा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार खास तौर से जब 24 के अंदर इलेक्शनों में जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बड़े जोश के साथ उस समय वोट देने का काम किया था 2014 में भी और 2019 में भी, अगर जब वो नहीं चेतेगी तो हम लोग पूरे तौर पर तमाम कर्मचारियों को लामबंद करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि साथी मंडल मंत्री जी ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन। ये जो हमारा आज का एक दिवसीय देशव्यापी भूख हड़ताल है, और ये हम कहीं ना कहीं सरकार से वार्ता के माध्यम से ये बार बार ये अपील करते रहे हैं कि अंधाधुंध जो पोस्टों का सरेंडर है उसको सरकार बंद करे। हमारे जो जो हमारे ट्रैकमैन साथी हैं वो बहुत ही, उनकी आवासीय जो उनके आवासीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ख़राब कंडीशन में दिल्ली मंडल में जो है वो काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें अच्छी आवासीय सुविधाएं जो है दिल्ली मंडल में जो है रेल प्रशासन अवेलेबल कराए, उनको लेकर हमारा ये सरकार से बार बार हम वार्ता के द्वारा उनसे करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो उदासीन रवैया है वो हमें इस ओर ले जाने की तरफ जो है धकेल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो औद्योगिक शांति है वो बरकरार रहे। भारतीय रेल चूंकि पूरे भारतवर्ष में जो है गरीबों का एक ट्रांसपोर्ट का साधन है और वो गरीबों के लिए काम करता रहे, लेकिन साथ ही साथ हम जो सरकार रिफॉर्म्स करना चाहती है उनके भी हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स की आड़ में वो हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न करेंगे। नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसी के लिए सरकार को चेतावनी देने के लिए, रेल प्रशासन को चेतावनी देने के लिए जो हमारा हमारा आंतरिक संगठन है उसका ये निर्णय था कि हम पहले एक दिन सांकेतिक भूख हड़ताल पर जाएं, तो अगर सरकार उससे चेतेगी तो ठीक, अन्यथा अगली कार्रवाई के लिए हमारे संगठन ने कमर कसी हुई है। किसी भी सूरत में जो हमारी, जिस प्रकार से हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है सरकार निजी हाथों में निगम बनाने का काम करना चाहती है, हमारे एसेट्स हमारी संपत्ति का प्रयोग करके जो है क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, हम उसका इस आज के भूख हड़ताल के माध्यम से उसका सख्त विरोध करते हैं। सरकार को ये निवेदन करते हैं कि वो इन चीज़ों से बाज आए। 180 की स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है वंदे भारत के माध्यम से, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हमने सरकार को ये बताने का काम किया है कि हमारे कर्मचारी इस बात के लिए सक्षम हैं कि वो जो भी हमें आप लक्ष्य देंगे उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे, चाहे फ्रेट का मामला हो, चाहे माल ढुलाई का मामला हो। जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसमें हमने लगभग 736 मीट्रिक टन लदान करने का काम किया है। तो मैं आज के दिन आप मीडिया के माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी नीतियों में बदलाव करे और औद्योगिक अशांति जो है दिल्ली मंडल में, खास तौर से दिल्ली मंडल के कुछ अधिकारी हैं जो अपने रवैये से बाज आएँ और इस औद्योगिक शांति को बरकरार रखें। मैं दिल्ली मंडल नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन का अध्यक्ष हूं। आज हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरे भारतवर्ष में हमारे नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के जो संगठन हैं वो आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल
से भारत सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं आप उनको वार्ता तंत्र के द्वारा, जो हमारा वार्ता तंत्र है उसके माध्यम से हम बैठ के बात कर रहे हैं, आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको बंद कर दीजिए। बातचीत के माध्यम से हम बहुत कुछ पहुँचे हैं, हमें फैमिली पेंशन देने का प्रोविज़न किया है इन्होंने, अब फैमिली पेंशन देने का प्रोविज़न कर दिया तो गारंटेड पेंशन भी कर दीजिए, तो गारंटेड पेंशन हो जाएगी तो समझो कि पुरानी पेंशन जो है स्कीम लागू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जब हमारा कर्मचारी रिटायर होकर जाए तो उसे उस दिन जो उसका वेतन है उसका आधा उसको पेंशन के तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी कंडीशन इस 60 साल की आयु में जब रिटायर होगा उसको बुढ़ापे का एक सहारा जो मिला हुआ है। आज गवर्नमेंट तरह तरह से स्कीम निकाल रही है कि बुज़ुर्गों को बहुत सहारा देना चाहते हैं, बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये केंद्रीय कर्मचारी जो बेचारे पूरे 35-40 साल सेवा करते हैं उनको पेंशन छीन के ये क्या संकेत देना चाहते हैं, तो ये हमारा मेन आज का वो है। दूसरा, हमारे डीए को इन्होंने फ्रीज किया था, डीए अनाउंस करते रहे थे, तो यदि कोरोना था डीए इन्होंने अनाउंस किया था तो जो अनाउंस हुआ है उसको अब नॉर्मल हो गया है सारा हिंदुस्तान, अब हमारी ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो हमारा जो डीए रुका हुआ है वो 3 टर्म का वो भी हमें एरियर के तौर पे वापस देने का काम करें। नाइट ड्यूटी अलाउंस को बंद कर दिया गया था, लड़ लड़ा के उसको सीलिंग लगा दी गई, हमारा कर्मचारी 24 घंटे चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो और 24 घंटे इस रेल को चलाने का काम करता है, तो उन्होंने एक डीओपीटी के आदेश आ गए, डीओपीटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टाफ डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पर हर कर्मचारी किसी भी लेवल का हो वो 24 घंटे काम करता है, और रात्रि ड्यूटी भत्ता जो है वो 43,600 रुपये में बंद कर दिया गया, उसको लागू तो किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार को चाहिए ये सीलिंग खत्म कर देनी चाहिए और हमारे कर्मचारी को ये भत्ते हैं उनको देते रहना चाहिए। सरकार उम्मीद है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो हैं वो एक ऐसी लीडरशिप है, वो हर वर्ग के लिए कहते हैं कि हम सबको साथ सबका विकास, तो केंद्रीय कर्मचारियों का साथ और केंद्रीय कर्मचारियों का विकास क्यों नहीं, तो जरूर हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और ज़रूर उन्हें इस बात पे सोचने को मजबूर होना होगा। अभी हमारा जो बोनस का इशू था हमें दुर्गा पूजा से पहले चाहिए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया और हमें वो दुर्गा पूजा से पहले दिलाने का काम किया, तो इसी तरह से हमारी ये जो बातें जाएंगी तो वो ज़रूर जो है इसमें कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे ताकि हमारे साथियों में खुशी की लहर होगी और जो हमारा ये सांकेतिक धरना है, जो सांकेतिक भूख हड़ताल है, इसका हमें ज़रूर लाभ होगा और हम ये संदेश जो देने में सरकार को कामयाब रहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, जो भारतीय रेल को बेचने की बात कर रहे हैं, भारतीय रेल को बचाना भी है और हमारा एक संकल्प है, भारतीय रेल बचेगी तो ये देश बचेगा, यदि भारतीय रेल बिक गई तो ये देश भी बिक जाएगा, इसको हमें रोकना होगा। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।